अगर आपके पास जो डिस्क ब्रेक वाली साइकिल है तो याद रखना इस तरह गलती कभी मत करना जो मैंने कर दी है। अगर आप ब्रेकर वगैरह में स्पीड में साइकिल निकाल रहे हो उस टाइम पे डिस्क ब्रेक मारते हो तो ये दिक्कत आ जाती है, चूड़ी ख़राब हो जाती है इसकी। तो मैंने भी ये दिक्कत कर दी जिसकी वजह से इसकी चूड़ी ख़राब हो गई है। अभी हम इसके अंदर न्यू चूड़ी लगा रहे हैं। डिस्क ब्रेक के सारे आपको नट लूज़ करने हैं, इसके बाद आपको चूड़ी टाइट करनी है। अभी इसके अंदर आप चूड़ी टाइट करो। चूड़ी टाइट करने के बाद आपको डिस्क ब्रेक प्रॉपर टाइट कर लेनी है ताकि आपकी डिस्क ब्रेक दोबारा अच्छी तरीके से वर्क करने लग जाए। चूड़ी टाइट करने के बाद आपको साइकिल के अंदर अपना पहिया इंस्टॉल करना है। ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं, देख रहे हो आप। इसके बाद आपका डिस्क ब्रेक प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा पहिया टाइट करने के बाद। ये देख सकते हो प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है पहिया।